हुआ था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज कल भी नेट का इशू था तो मैंने टॉपिक तो कवर कर लिया था बट फिर भी जो इशू था एक बार देख लेते हैं। तो कल हम लोगों ने फोकस किया था किसके ऊपर, लाइक हाउ टू हैंडल द एरर इन एसक्यूएल। ओके, देखो जनरली क्या होता है पता है, तो आपको पहले डेमो दिखा दूँ क्या सीन है। जनरली ये होता है कि अगर आप कोई कोड कर रहे हो, आपको कंपाइल टाइम मतलब जब आप रन कर रहे हो कोड में एरर है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैंने कोई कोड लिखा सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ओके, अब इस कोड्स में अगर मैंने कोई स्टार मिस कर दिया, ओके, ये आपको दिखेगा कि मैंने इधर मिस किया है, ये लॉजिकल इशू नहीं है, ये आपका कोड इशू है। अब उस टाइम उसको चेक कर सकते, ठीक है ये इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर टू ए पार्ट। बट अगर इसको लॉक करना हुआ कि आपने क्या इशू किया है, क्या इशू आपका फेस हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है, आपने कोड एएसपी बनाया और कंपाइल कर दिया, आपका कोड बन गया, उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि लाइक मेरे किस पार्ट में इशू आ रहा है, तो उसको आप कैसे रन टाइम हैंडल करोगे। पता है अगर बाकी अदर लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें भी हैंडल करने के लिए ट्राई कैच है। तो सिमिलरली ट्राई कैच क्या करता है, ट्राई कैच जिस पार्ट का, जो जिस पार्ट में हम लोगों ने कोड किया है उस पार्ट को हम लोग रखेंगे ट्राई के अंदर, ओके। फिर अगर ट्राई के अंदर कुछ एरर आया तो वो ऑटोमेटिक जंप करता है कैच के अंदर। तो हम लोग का दो ब्लॉक होता है यहाँ पे, एक ट्राई, एक होता है कैच, ओके। तो सपोज मैं यहाँ पे एक मैसेज सिंपल पास करूँगा एरर इन कोड, मैंने खाली सिंपल इतना पास किया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी सीन कैसा है, ध्यान दो, ये आपका कंपाइल टाइम एरर है, मतलब जब मैं कोड रन करने जा रहा हूँ वो कंपाइल टाइम एरर है, तो वो एरर तो आपको दिखेगा, तो आप वो सॉल्व कर दोगे, ओ ये मैं सॉल्व कर दिया मान लो, तो ये आपका रन हो गया, तो आपका अभी आउटपुट आ जाएगा। एक एरर होता है आपका एक बिगिन एंड बिगिन कैच इन कैच, ओके। तो ये देखो कंपाइल टाइम जो एरर है यहाँ पे, ये आपका कंपाइल टाइम एरर है। अगर यहाँ पे आपका एरर आया तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे, बट अगर मैं ये करेक्ट किया ये आपका आउटपुट अभी आएगा। बट मान लो यहाँ पे कुछ हम लोग लॉजिकल एरर करते हैं, लॉजिकल एरर मतलब जैसे मान लो मैं रिपीट कर रहा हूँ सेलेक्ट 10/2, ये आपका आंसर आएगा, राइट, ये आपका आंसर 5 आएगा। बट मैंने किया कि 10/0, तो अगर हम लोग कैलसी में भी इसको आउटपुट कैलकुलेट करें ना, जैसे मान लो कैलसी में गया, तो अगर कैलसी में मैंने 10/0 करूँगा तो मुझे भी एरर देता है कैनॉट डिवाइड बाई 0, तो ये एरर है, तो उसको इसने हैंडल करके एक मैसेज ला के दिखाया है। तो उस केस में अगर मैं फोर्सफुली उसको 0 से रन करूँगा ना, तो मुझे भी यहाँ पे एरर आएगा, देखो डिवाइड बाई 0 एरर इनकाउंटेड, मतलब इसको डिवाइड बाई 0 का एरर मिला। तो ऐसे जो ये देखो आपका कोड एरर नहीं है, ये आपका लॉजिकल एरर है। अगर मैं यहाँ पे 1 पास होगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा, बट 0 पास होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। तो ऐसे लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए क्या होता है, ट्राई कैच। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे बोलेगा कि क्या है मैसेज में, एरर इन कोड, आपके कोड में एरर है, ओके। तो ट्राई क्या करता है कि जिस पार्ट में आपको इशू लग रहा है उस पार्ट को आप ट्राई कैच कर डाल दो। इसे दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, ये आपको अभी समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल मान लो एक टेबल है आपका प्रोडक्ट करके, ये वाला टेबल्स और प्रोडक्ट करके, ये जो भी हम लोग यहाँ पे रन किए थे, अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसके अंदर जो पहला कॉलम है प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की है या आइडेंटिटी है, एक मिनट चेक कर लेने दो, टेबल कहाँ बनाया था मैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसको यहाँ पे जाओ, लिखो एसपी अंडरस्कोर हेल्प, टेबल का नाम डाल दो, ठीक है, इससे क्या होगा उस टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेबल का नाम, तो एक बार देख लेते हैं क्या है, ओके। ये आपका प्रोडक्ट आईडी इंटीजर है, प्राइमरी की अप्लाई हुआ है किस पे, प्रोडक्ट आईडी पे, तो प्रोडक्ट आईडी पे प्राइमरी की है, मतलब इस टेबल में अगर मैं इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू पास करूंगा तो मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं एक कोड रन करता हूँ मान लो ऐसा, इसके अंदर मैंने कल ट्राई कैच लगाया था, और ट्राई कैच मैं रिमूव करता हूं पहले, ये देखो
अगर मैं इसके जो मैंने एसपी बनाया था, एसपी में क्या किया था, मैं प्रोड आईडी पास किया हूं, तो यहां पे अगर मैं इसको रन कर रहा हूं, अभी केस में ध्यान दो, अभी केस में अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या करेगा ये, इसके अंदर 12 पास करेगा जो 12 ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ पे देखो। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या करेगा, इंसर्ट को देखो मैं ट्राई के अंदर रखा हूं, इंसर्ट को ट्राई के अंदर रखा हूं, तो अगर इस ब्लॉक में एरर आया तो जंप यहां पे करेगा, और यहां पे जितने भी एरर आते हैं ना यहाँ पे, अगर मान लो ये जो एरर है, ये जो एरर आता है ना, ये सब कौन सा कोड है, एरर कितने हाई लेवल का है, वो किस लाइन नंबर पे कोड है, क्या मैसेज है, वो सबका अलग अलग को डिवाइड करके ये सब फंक्शन उसका डेटा निकालता है, एरर नंबर लाइन निकालता है, एरर मैसेज निकालता है, एरर कौन से नंबर पे है, कौन से लेवल का इशू है, क्या इसका प्रायोरिटी है, कौन से प्रोसीजर में इशू है, ये सब फंक्शन इनबिल्ट एसक्यूएल देता है हम लोग को। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 5 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एरर लाइन के लिए अलग, मैसेज के लिए अलग, नंबर के लिए अलग, सेवरिटी के लिए अलग, एंड प्रोसीजर के लिए अलग। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इसमें से सेलेक्ट मारा है, तो सेलेक्ट क्या करेगा, इसमें से डेटा गेट करके इसमें पास करेगा, ये सब असाइन किया, असाइन करके मैंने एरर लिस्ट करके टेबल बनाया है, एरर लिस्ट करके देखिए टेबल बनाया है, तो इसमें मैं क्या रखूंगा, कि क्या एरर लाइन नंबर है, क्या मैसेज है, वो सब मैं स्टोर करूंगा। इससे फायदा क्या होता है, अगर मान लो मैंने ये एसपी आपका रन हुआ, अभी तो आप मैनुअल रन कर रहे हो तो आपको पता है, अगर ये आपका किसी प्रोजेक्ट में कॉन्फिगर है, किसी एपीआई से कॉल हो रहा है मान लो, तो उस केस में आपको पता नहीं चलेगा एरर कहाँ पे है। बट अगर मैंने ए रन किया तो मैं यहाँ पे देखो 0 रो अफेक्ट हुआ, कौन सा, ए वाला, इसने इंसर्ट नहीं करने दिया। 1 रो अफेक्ट कौन सा हुआ, ये कैश में आके यहाँ पे इंसर्ट मारा है। तो अगर मैं ये सिलेक्ट रन करूंगा एरर लिस्ट का, तो मुझे आज का डेट का डेटा मिलेगा कि 30 तारीख को इतने टाइम को इस एसपी में इशू आया, ये लाइन नंबर था एसपी का, इस लाइन नंबर पे क्या इशू था, ये उसने कैच किया, देखो ये वाला इस टेबल पे डुप्लीकेट प्राइमरी का प्रॉब्लम आया। तो ये क्या करता है पता है, आपके एरर को लॉक करके रखा है यहाँ पे वो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको किसी अगर आपने हर केस में ट्राई केस लगा के रखा है तो आपको इशू फाइंड करने के लिए इजीली मिल जाता है, समझे। और ये जो पार्ट है ना एरर लिस्ट वाला, अगर मैं इसको यहाँ पे पास करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे क्या देता है, ये निकाल दो, ये निकाल दो, तो जो भी रहेगा आपका डेटा आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो अगर मैं देखो इतना रन करता हूँ तो ये समझ जाओ कि यहाँ पे तो इशू है ही आपका, ये इसमें इशू है तो मुझे बताएगा वो यहाँ पे क्या करें। अगर मैं इसको रन किया सपोज, तो मुझे बता रहा है कि लाइन नंबर 3 पे जो कोड में जहां से रन किया हूं, यहां से नहीं, अगर मैं इसको ले लिया, अब देखो पूरा रन किया, लाइन नंबर 3, 1 2 3, लाइन नंबर 3 पे डीवाई पे 0 का इशू है, ये 8134 एसक्यूएल प्रोवाइड करता है, ये उसने अपने इस आईडी पे ये एरर डाल के रखा है। ओके, सिस्टम इसका प्योरिटी मतलब हाई है, इशू है इसमें, ज्यादा इशू है मतलब कोड आपका ब्रेक हो रहा है। ये क्या करता है, ये जो फंक्शंस दिया ने एसक्यूएल ने, ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये सब रिटर्न करके दे रहा है आपको, समझे। तो ट्राई कैच यूज करके अब इजीली इसका जो रन टाइम एरर है वो हैंडल कर सकते हो, लॉजिकल एरर कोई भी एरर हो वो एरर को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो मेन इसमें खाली एक ही सिंटैक्स याद रखना, बिगिन ट्राई इन ट्राई ये आपका ब्लॉक है, बिगिन कैच इंड कैच या फिर कैच का ब्लॉक है, तो ट्राई कभी भी कैच के साथ आएगा, आपका जो मेन कोड है वो जाएगा ट्राई के पास, आपको जहां लॉक करना है वो आएगा कैच के पास, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है किसी को? नहीं अभी सर, नहीं अभी डाउट नहीं सर, अभी अभी क्लियर राइट, अभी सर नहीं राइट, ठीक है। तो अभी हाँ एक बात और, आप जितने भी स्टोर प्रोसीजर बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, एक हाइब्रिड रखो कि उसके अंदर ट्राई कैच डालो और उसको एक लॉक करके रखो। सर जो पता है इसका प्रोसीजर बना अपना दे, हाँ उसका सर कोड कॉपी नहीं किया क्या, कोड कॉपी इसमें है, कोड है सब कॉपी किया, ये जो है ना कल का मैंने ये जो बनाया था, ये वाला ही बनाया था, टेस्ट करके बनाया था कल, ये है, बट यहाँ मैंने गेटअप पे डाला नहीं है, वन सेकंड मैं गेटअप पे डाल देता हूँ। राइट राइट राइट, वन सेकंड। तो जितने भी कोड है ना हम लोग का सब गिटहब पे है, अपडेटेड ऑन 30, तो यहां से भी जाके आप आराम से कोड निकाल सकते हो, तो बेस्ट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए आपको।
यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, एक डाल दूंगा तो मीन वैल्यू आपका सिंक होते रहेगा पुश टू ओरिजिन। ठीक है, आपका पुश हो रहा है अभी तक का जितना कोड वो चल जाएगा, वो आपका सिंक हो रहा है वहाँ पे।